नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल आजमगढ़ पार्टी कार्यालय पर चुनाव संबंधी समीक्षा की। इसमें जिले के व्यापारी समेत पार्टी के पदाधिकारियों ने चुनाव पर चर्चा की और व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने को कहा और नारा दिया, व्यापारी जोड़ो, भाजपा का पोल खोलो। और उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में लगातार व्यापारियों का शोषण हो रहा है। वर्तमान सरकार में व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए व्यापारी साथी तैयार हैं। समाजवादी सरकार में व्यापारी की बीमा योजना थी, अडानी अंबानी का कर्ज माफ और गरीब किसान और व्यापारियों से कर्ज वसूली के लिए उत्पीड़न, यहाँ तक की नीलामी भी करवा भी कर रही है। भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन जो है समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सोच है। हमारे जो फुटकर रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं उनकी बातों को सुनकर नीतियां बनेंगी, उसके लिए अधिक से अधिक अच्छे कानून बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष वाराणसी पवन, जिला अध्यक्ष संदीप रजत सेठ, विवेकानंद यादव, अभिषेक श्रीवास्तव, कमल किशोर, सब्बू खान, विजय प्रताप, महताब आलम, डॉक्टर अदनान चिश्ती, महावीर गुप्ता, दयानंद गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवाल की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी के लिए हम लगातार जनपद में कार्य कर रहे हैं और समाजवादी व्यापार सभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश में व्यापारी जोड़ो और भाजपा का पोल खोलो अभियान कार्यक्रम चला रहे हैं और हर जनपद में जाकर व्यापारियों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में नेताजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसी एक्ट 12/7 को शिथिल किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम को बोलते हैं, चुंकी प्रथा को समाप्त किया, स्पष्ट राज को समाप्त किया और तमाम व्यापारी हित में कार्य किए। राठौर जी की सरकार में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई जो कि निःशुल्क थी और व्यापारियों को किसी भी दुर्घटना होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा मिलता है। तमाम ऐसे कार्य समाजवादी पार्टी हम लोग अपने संगठन के माध्यम से हमारे व्यापार सभा के जनपद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष नौजवान साथी संदीप रजत सेठ जी हैं, इनकी कमेटी और विधानसभा अध्यक्षों और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों की कमेटी के साथ जनपद में जितने भी हर विधानसभा में मुख्य बाजार हैं उसमें जाकर व्यापारी जो हमारे साथी हैं जो इस वर्तमान सरकार की नीतियों से और वर्तमान सरकार विभागों के अधिकारियों के तुरंत से परेशान हैं, उनको हम लोग अपने भरात्मक लगाव को जोड़ने के लिए उनके हित को देखते हुए हम लोग उनसे मिलकर काम करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है कहीं ना कहीं से व्यापारियों की बनियों की सरकार कही जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान बेहाल अगर मजबूर कोई हुआ तो व्यापारी समाज हुआ है। चाहे आप नोटबंदी की बात कर लीजिए, चाहे लॉकडाउन की बात कर लीजिए, चाहे GST की बात कर लीजिए, जितने भी नियम कानून लगाए गए हैं सभी व्यापारी नियमों के खिलाफ किए गए हैं। व्यापारी समाज आज समाजवादी पार्टी की तरफ आज सभी निगाहों से देख रहा है और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी कार्यों को याद कर रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो भाजपा का मुंहतोड़ जवाब देने की जनता ने मन बना लिया है। और व्यापारी समाज भी अपने दुकानों में बैठकर लगातार भाजपा सरकार कोस रहा है, समाजवादी पार्टी को याद कर रहा है और निश्चित रूप से हमारे संगठन के माध्यम से व्यापारियों को जोड़कर समाजवादी पार्टी के जनपद आजमगढ़ के हमारे सांसद प्रत्याशी पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। व्यापारियों की क्या ऐसी समस्याएं हैं? सरकार तो कह रहे हैं व्यापारी की योजनाएं तो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। सरकार की योजनाएं रहती हैं लेकिन उसको लागू करने का काम बड़ा काम होता है। जब सरकार के अधिकारी बेलगाम रहेंगे, सरकार के जो तंत्र हैं बेलगाम रहेंगे तो कोई भी सुविधाएं आपको कल कागज भी देखेंगे जमीन पर नहीं मिलेंगी। आप देखिए जो सरकार की पॉलिसी बनाई जा रही है व्यापारी हित में चाहे उद्योग हित में, तथाकथित कुछ लोगों को ध्यान रख के बनाई जा रही है। जो बड़े लोग हैं आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए कमेटी बनाई जा रही है, चाहे पॉलिसी बनाई जा रही है। चाहे आप व्यापारी बंधु की बात करिए, चाहे मुद्रा लोन की बात करिए, उसमें इतने नियम कानून बनाए गए हैं। पहले आपको लोन लेने में दिक्कत, इतने अधिक ब्याज है, इतना उसका भ्रष्टाचार में आपका जो रिश्वत लेंगे कि वो आप परेशान हो जाएंगे। आपने देखा कि देश में जिस प्रकार से अडानी अंबानी का कर्ज माफ किया गया 15 लाख करोड़ रुपये का, उनको दोबारा उतना लोन दे दिया गया, लेकिन अगर सामान्य गरीब
अगर एक फुटकर दुकानदार को या किसी व्यक्ति को अगर 2 लाख का भी लोन दे सरकार देगी, अगर वो लेट करेगा तो तत्काल उस संपत्ति को जब्त करने का काम करेगी। तो सरकार की योजनाएं तो बहुत दिख रही हैं, लेकिन मुंगेरी लाल जी के सपने की तरह दिख रही हैं, उसके जमीन पर कोई वास्ता नहीं। गठबंधन की जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो अपनी सोच है, उस समाज में अंतिम व्यक्ति की बेहतरी तक के लिए सोच है। हमारी सोच ये है कि हमारा जो फुटकर रेहड़ी जो दुकानदार है, जो ठेले वाला है, उसकी बातों को सुनकर उनके व्यापार को कैसे बेहतर किया जाए, उस अनुसार बैठकर सरकार की नीतियाँ बनेंगी। और सरकार जब समाजवादी पार्टी द्वारा गठबंधन किया जाएगी तो उनके बेहतरी के लिए अधिक से अधिक नियम और अच्छे कानून को बनाकर उनको आगे किया जाएगा। इंडिया गठबंधन, मैं निश्चित रूप से, मैं चूंकि मैं व्यापारी परिवार से भी हूँ और मैं व्यापारी भी हूँ, व्यापार करता भी हूँ, और व्यापारी को जो दिक्कतें होती हैं, चाहे बाट मा विभाग की, चाहे सेल्टर विभाग की, चाहे श्रम विभाग की, चाहे इनकम टैक्स, मैं उसको बेहतर तरीके से जानता हूँ। और उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012-17 तक मैं उत्तर प्रदेश में शासन में सेल टैक्स में सलाहकार भी था, इसलिए व्यापारी और उनकी परेशानियों को हर विभाग की हमको बहुत जानकारी है। और जो भी बेहतर से बेहतर नियम बन सकते हैं वो जरूर बनाएंगे। अच्छा, अभी आप इसमें सत्ता इसलिए नहीं है कि उन्होंने केवल आम लोगों की बात न करें, केवल खास लोगों की बात किया है। और वर्तमान में आप इतना देखिए कि जो पूर्व में 2014-19 में जो लोकसभा चुनाव था, जिस प्रकार से चाहे व्यापारी समाज चाहे अन्य लोग मोदी के नाम पर चाहे भाजपा के नाम पर समाज लड़ते थे वोट के लिए, आज वो चुप क्यों बैठे हैं? वो लोग लड़ना बंद कर दे, क्यों? कि आज वो प्रताड़ित है, दहशत के माहौल में है। भाजपा के समर्थक होने के बाद भी वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आज वो उम्मीद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार से, पार्टी से, कि जब वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी तो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगी और ऐसे मनबड़ जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, उनको सबक सिखाने काम करेगी। अरे हाथ अपना जो ले जरूरत वैसे बना। हाँ, ये बोल गया। हाँ, जो जोड़ के मोदी जी भेज रहे हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।